राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के लिए प्रवेश पत्र राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। 26 सितंबर को आयोजित होने जा रही परीक्षा के लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 6 सुरक्षा जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा में 16,51,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। दो लेवल पर दो पारियों में हो रही परीक्षा में कुल 25,71,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में 2,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थी राजस्थान के बाहर से शामिल होंगे। परीक्षा के लिए राजस्थान में करीब 4,100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला स्तर पर सबसे अधिक 597 परीक्षा केंद्र जयपुर में ही बनाए गए हैं, तो वहीं सबसे कम परीक्षा केंद्र जैसलमेर में केवल 17 सेंटर्स बनाए गए। वहीं सरकार ने परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए आने जाने के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। तो रीट 2021 के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। 26 सितंबर को एक मच अवेटेड परीक्षा, ये राजस्थान के उन युवाओं के लिए जो काफी लंबे समय से रोजगार की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी लोकेश शोला इस वक्त मेरे साथ फुल लाइन पर जुड़े हुए हैं। लोकेश, रीट 2021 आगामी जो परीक्षा सबसे बड़ी एक तरीके से देखा जा रहा है प्रदेश के युवाओं के लिए, काफी लंबे समय से इंतजार था, एडमिट कार्ड इसके लिए जारी हो गए हैं, क्या व्यवस्थाएं रहेगी मुख्य तौर पर? देखिए, बिल्कुल, राजस्थान की इस साल की सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो 26 सितंबर को होने जा रही है। लेकिन जो परीक्षा 21,000 पदों पर जो प्रतिष्ठित शिक्षकों के लिए जो परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, उसको लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली है, तैयारियां पूरी कर ली है, साथ साथ देर रात प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, इस जो 21,000 पद जो परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए राजस्थान सहित राजस्थान के बाहर की भी तकरीबन 16,00,000 जो परीक्षार्थी है वो शामिल होने जा रहे हैं। अधिक संख्या में जो 26 सितंबर को एग्जाम हो रही है, इसलिए विभाग ने पूरी व्यवस्था करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरी विशेष ध्यान दिया गया है। साथ साथ परीक्षा केंद्रों के इसमें भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। पूरे राजस्थान में तकरीबन 4,500 अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे अधिक जयपुर में 550 से अधिक सेंटर तैयार किए गए हैं। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण के बाद में जो ये परीक्षा हो रही है, इसको लेकर कोरोना गाइडलाइन का भी पूरी तरह से पालन किया गया है। विशेष जो खास बात इस एग्जाम को लेकर यही है कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा को लेकर भी 6 जवान तैनात किए जाएंगे प्रत्येक जो परीक्षा केंद्र पर। साथ साथ जो परीक्षा के अंदर 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा और आधे घंटे पहले परीक्षा केंद्र को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले परीक्षा हॉल में किसी परीक्षा केंद्र में किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 6 सुरक्षा के जवान यहाँ पे तैनात किए जाएंगे, जिसमें 2 पुरुष जो कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल और 2 होमगार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। इतनी अधिक संख्या में जो दोनों 2 पारियों में जो लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए जो परीक्षा हो रही है, जिसमें दोनों पारियों में तकरीबन 27,00,000 के करीब जो परीक्षार्थी है वो शामिल होंगे। बात करें तो जिस तरह से ये एग्जाम होगी, उस एग्जाम को लेकर विभाग ने सभी तैयारियां की है। 20 सितंबर से जो कंट्रोल रूम है वो स्थापित किए जाएंगे, वो शुरू होंगे और 27 सितंबर तक कंट्रोल रूम संचालित रहेंगे। और इस दौरान भी पूरी व्यवस्था का जो जिम्मा है वो पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के जिम्मे रहेगा। देखिए, दूर दराज क्षेत्रों में भी जो ये सेंटर दिए गए हैं, ऐसे में इस बार सरकार की ओर से जो बजट घोषणा में जो वादा किया गया था परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का, तो इसमें भी, इस परीक्षा में भी इसका तोहफा दिया गया है। ऐसे में प्रदेश की सबसे बड़ी जो परीक्षा है वो 31,000 शिक्षकों के लिए परीक्षा होने जा रही है, वो 26 सितंबर को होगी और उसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी है वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। जी लोकेश, उसके अलावा बात यहाँ पर निशुल्क रोडवेज यात्रा की हुई, लेकिन अभी जैसे एसआई के एग्जाम प्रदेश में हुई, कई युवाओं का आक्रोश इसमें नजर आया, क्योंकि एक तो जरूरत से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग पहुंचेंगे, और जब लोग पहुंचे तो वहां पर बसेस नहीं उपलब्ध थी, तो क्या उस चीज से अब सबक लेकर नए कुछ एक योजना बनाई गई है? चूंकि ज्यादा अंतराल नहीं है एग्जाम में, सिर्फ 10 से 12 दिन का अंतराल रहेगा, तो क्या अब नए तरीके से, नए सिरे से इसको शुरू किया जाएगा, या फिर पहले की तरह अभी भी छात्रों को पहले पहुंचना होगा और फिर अगर अपने गंतव्य तक पहुंचना है तो पहले से निकलना होगा?
देखिए रोडवेज ने विशेष व्यवस्था यहाँ पर पहले ही कर दी है, एग्जाम शुरू होने के 5 दिन पहले और एग्जाम खत्म होने के 5 दिन बाद तक जो परीक्षार्थी है वो रोडवेज में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में जो पहले ही 5 दिन पहले ही जो विद्यार्थी जो परीक्षार्थी है वो रोडवेज में आसानी से अपना सफर तय कर सकते हैं। साथ साथ अतिरिक्त बसें यहाँ पर लगाई गई है, इसको लेकर भी विभाग ने पहले ही तैयारियां कर ली। रोडवेज के जो अधिकारियों को पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्देश दे दिए तो उस निर्देशों के अनुसार ही पूरा जो रोडवेज प्रशासन है वो काम कर रहा है। साथ साथ यहाँ पर ये भी है कि जो महिला परीक्षार्थी है उनका होम डिस्ट्रिक्ट में ही सेंटर किया गया है। ऐसे में वहां पर एक विशेष यही है कि होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो परीक्षार्थी जो महिला परीक्षार्थी वो शामिल होंगे उनको अधिक सफर तय नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए भी विशेष यही व्यवस्था है कि अधिक परीक्षार्थी है वो रोडवेज में एक दिन में ही सफर तय नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से 5 दिन पहले और 5 दिन बाद का भी ये टाइम ड्यूरेशन दिया गया है तो ये भी एक राहत भरी खबर है परीक्षार्थियों के लिए। और इसको लेकर जो परीक्षार्थी है वो पहले से तैयारी हो चुके हैं, देर रात एडमिट कार्ड जारी कर दिए जा चुके हैं और उसी एडमिट कार्ड के अनुसार जो परीक्षा केंद्रों के अनुसार अब परीक्षार्थी अपनी परीक्षा तय समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएंगे और सुनिश्चित तौर से आराम से जो परीक्षा है वो देंगे। लेकिन परीक्षा में नकल रोकने को लेकर भी विशेष इस बार जो पर्यवेक्षक है वो लगाए जा रहे हैं, अतिरिक्त पर्यवेक्षक लगाए जा रहे हैं, जो अलग से जो टीमें गठित करके पूरी निगरानी रखी जा रही है और पूरी सुरक्षा के बीच में ही परीक्षाओं केंद्र तक जो पेपर है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। जी चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।